तो रजिस्ट्रेशन के पूरे सेक्शन कहां से कहां तक थे? 22 से 30। और रूल्स कितने थे? 8 से लेकर 26। रूल कितने थे? 8 से 26। तो हम पहले सेक्शंस पढ़ेंगे फिर रूल्स। रूल्स कभी भी बिना सेक्शन पढ़े मत पढ़ लेना, ये मेरी वार्निंग है तुम्हें। जब तक सेक्शंस ना पढ़ लो तब तक रूल्स नहीं पढ़ने। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब आप रूल्स पढ़ोगे तो वहां पर सेक्शन का रेफरेंस होगा, और जब तक आपने सेक्शन नहीं पढ़ा होगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो 22 से 30 तक पूरे रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पढ़ने हैं, लेकिन इसमें से दो सेक्शन किस लिए पढ़ने हैं? बोल, हम टैक्सेबल पर्सन है या नहीं? ठीक है, क्लियर है? तो आ जाओ सेक्शन 22 और 24। सेक्शन 22 और सेक्शन 24। तो इन्होंने दो सेक्शन क्यों बनाए लायबल के लिए? पहली चीज हमारे को यह समझनी है, एक ही बना देते बहुत था। इन्होंने कहा दो सेक्शन है, एक तो है टर्नओवर बेस्ड, एक तो क्या है? टर्नओवर बेस्ड, और एक है मैंडेटरी। एक दूसरा क्या है? मैंडेटरी। तो टर्नओवर बेस्ड का मतलब क्या है? अगर तुम्हारी टर्नओवर कुछ स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर होगी तो तभी तुम क्या बनोगे? टैक्सेबल पर्सन, तभी हम तुमसे टैक्स लेंगे। ठीक है, और मैंडेटरी में क्या है कि हम टर्नओवर को नहीं देखेंगे, हम तुम्हें टैक्सेबल पर्सन बनाते हैं और तुमसे टैक्स लेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो सेक्शन है ये कई बार चेंज हुए। ठीक है, ये सेक्शन क्या हुए? कई बार चेंज हुए। तो मैं आपको फाइनल क्रक्स बताऊंगा कि फाइनल क्रक्स क्या है। अब आप इस चीज को समझना, हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं? 29 कह रहा है कोई, 26 कह रहा है। प्रधान, भारत का प्रधानमंत्री बनोगे कैसे बनोगे तुम? तुम्हें स्टेट ही नहीं पता? अच्छा, अंडमान निकोबार भारत में है या नहीं है? हाँ, पक्का? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी भारत में? हाँ, पक्का? चलो, तो भाई पहले ना ये समझ लो कि हमारे देश में स्टेट है कितने, क्योंकि स्टेट वाइज यहां पर लिमिट होगी। भारत का संविधान जब भी तुम कभी पढ़ोगे तो वहां पर मैं तुम्हें क्रक्स में बता देता हूं भाई, हमारे देश के अंदर, ठीक है ना, हमारे देश के अंदर 28 स्टेट्स तो एक है, ठीक है, और 3 स्टेट्स एक है। सर क्या मतलब? मैंने कहा बताऊंगा। हमारे देश के अंदर 28 स्टेट्स है और 3 ऐसी हैं जिनका लेजिस्लेचर है। 3 क्या है? जिनका लेजिस्लेचर है। स्टेट सिंपल कितनी है? 28। ठीक है, तो भैया अपने हिंदुस्तान में रहते हो, इतना तो पता हो कि कितनी स्टेट है, और 5 हमारी क्या है? यूनियन टेरिटरी। अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपका कोई क्लाइंट आए और उसकी 25 स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन हो। अगर वो 25 स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन हो या वो अपना बिजनेस 25 स्टेट्स में करना चाहता हो तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं, और किस स्टेट में है और किस स्टेट में नहीं। ठीक है, तो पहला रजिस्ट्रेशन क्या है? टर्नओवर बेस। ठीक है, तो अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, ठीक है, ये हमारा हिंदुस्तान, इसके अंदर मैंने क्या बताया? 3 चीजों में बांटा मैंने अपने आपको। एक तो बोला क्या? स्टेट, और एक बोला यूनियन टेरिटरी। पता है ना यूनियन टेरिटरी क्या होती है? क्या होती है यूनियन टेरिटरी? केंद्र शासित प्रदेश। क्या जी? केंद्र शासित प्रदेश। और फिर ये क्या होती है? यूटी विद लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या होता है? तो यहां पर समझो, ठीक है, अगर आप संविधान की बात करोगे तो संविधान में 2 ही चीज है, स्टेट्स, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, लेकिन जीएसटी के एंगल से हमें ये 3 पढ़ना पड़ता है। सर ऐसा क्या है? मैं आपको बताऊं कि भाई देखो, जो संविधान हमारा बना उसमें जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश क्या? सिंपल स्टेट, स्टेट होगी यहां पर, और यहां पर इनका मुख्यमंत्री होगा, इनकी विधानसभा होगी, और ये अपने सारे कानून बनाएंगी। कौन से कानून बनाएंगी? जो भी स्टेट लिस्ट में लिखे होंगे, जो भी किसमें लिखे होंगे? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था स्टेट लिस्ट, तो जो भी स्टेट लिस्ट में लिखे होंगे उसमें कानून बनाएगी, चाहे वो टैक्स का कानून हो, चाहे पुलिस का कानून हो, चाहे कुछ भी। अब हम बात करते हैं यूटी, किसकी बात करते हैं जी? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी हमने एक एग्जांपल ले लिया, अंडमान एंड निकोबार। इन्होंने क्या कहा
कि यह है केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर ना तो कोई मुख्यमंत्री होगा, ना यहां पर कोई विधानसभा होगी, यहां पर एक ही व्यक्ति होगा, ठीक है, एलजी, सुना है ना नाम, ठीक है, कौन, लाइफ गुड, ये तो एलजी कंपनी वाला नहीं भाई, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, वही इसे देखेगा, क्लियर हुई बात। अब एक तीसरा और निकल कर आ गया, तीसरा निकल कर आ गया दिल्ली, क्या निकल कर आ गया दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी, क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इसके साथ कुछ अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश भी है लेकिन स्टेट भी है। सर क्या मतलब, इन्होंने क्या कहा कि यहां का मुख्यमंत्री भी होगा, है ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, यहां का मुख्यमंत्री भी होगा, यहां की विधानसभा भी होगी, ठीक है जी, यहां का मुख्यमंत्री भी होगा और यहां की विधानसभा भी होगी, और साथ में इस विधानसभा के अंदर कानून भी बनेंगे, लेकिन सारे कानून विधानसभा नहीं बनाएगी, सारे कानून विधानसभा नहीं बनाएगी, टैक्सेशन वाले कानून तो विधानसभा बना देगी, लेकिन अगर मैं बात करूं पुलिस की, जैसे अरविंद केजरीवाल बार बार क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि पुलिस से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा, यूनियन, क्या बनाएगी, यूनियन। तो यहां पर अब आपको एक क्लियर हुआ, इन तीनों का मतलब क्लियर हुआ या नहीं, स्टेट का मतलब क्लियर हुआ, हाँ, स्टेट मतलब क्या है, विधानसभा भी, मुख्यमंत्री भी, सारे कानून पुलिस वुलिस टैक्स वैक्स सब हम बनाएंगे। यूनियन टेरिटरी का मतलब ना विधानसभा ना मुख्यमंत्री, सिर्फ और सिर्फ एलजी, ठीक है, सब वो बनाएंगे यूनियन टेरिटरी। और इसका मतलब क्या हुआ, यूटी प्लस लेजिस्लेचर, है तो यूटी लेकिन साथ में क्या है, विधानसभा भी है, साथ में क्या है, मुख्यमंत्री भी है, साथ में टैक्सेशन के कानून बनाएगा, साथ में टैक्सेशन के कानून बनाएगा, लेकिन पुलिस वाले कानून या पब्लिक ऑर्डर वाले कानून नहीं बनाएगा। अगर हम जीएसटी पढ़ रहे हैं तो जीएसटी की नजरों में क्या यूटी विद लेजिस्लेचर को स्टेट माना जाए या नहीं, तुम बताओ, जीएसटी की नजरों में, क्योंकि हमारे को क्या मतलब है, टैक्सेशन, किस कैसे मतलब है, टैक्सेशन। तो जीएसटी की नजरों में जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे तो हम कितनी स्टेट मानेंगे भाई, 31, कितनी स्टेट मानेंगे, 31। अब ये मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आ सकता है, वो नागालैंड से हो सकता है या नहीं, तो आपको उसकी लिमिट पता होनी चाहिए ना। और पांच हम क्या मानेंगे, यूनियन टेरिटरी। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए ये मैंने एक चार्ट बना दिया, ठीक है, इस चार्ट को समझने का एक सिंपल फंडा तो यह है कि मैंने चार्ट बना दिया, उसके सामने लिमिट लिख दी, काम खत्म। एक है कि नहीं सर ये लिमिट आई तो आई कैसे, मुझे बताओ, क्योंकि मैं चार्ट पूरा याद नहीं कर सकता। जिसके आगे मैंने एस लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, स्टेट। जिसके आगे मैंने एस प्लस यूटी लिखा हुआ है, क्या मतलब है, है तो ये यूटी, है तो ये यूटी, लेकिन जीएसटी की नजरों में इसे क्या समझना, स्टेट। और जिसके सामने यूटी लिखा हुआ है तो वो तो यूटी है ही, ठीक है ना जी, और बाकी सब स्टेट। क्लियर हुई मेरी बात। तो जब ये जीएसटी का कानून बन रहा था तो अब इन्होंने क्या कहा, हर व्यक्ति को पकड़कर तो जीएसटी नहीं लगा सकते, तो हमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर गली से निकलते हो तो आप सैलून पे गए तो सैलून छोटा व्यक्ति है, ठीक है, उसकी टर्नओवर हो सकता है कि वो साल में कितने रुपए कमा रहा हो, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, क्या उस पर जीएसटी लगा दे, हाँ, मोची जो बैठा हुआ है क्या उस पर जीएसटी लगा दे, क्योंकि गुड्स और सर्विस तो दे रहे हैं सब, गुड्स और सर्विस तो दे रहे हैं, मतलब चार्जिंग सेक्शन में तो आ रहे हैं, चार्जिंग सेक्शन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बोलो। लेकिन अब उन्हें बाहर निकालने के लिए, कि उन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर निकालना हो, तो हमने उसे किसकी डेफिनेशन से बाहर करा, टैक्सेबल पर्सन। और कहां पे, कहां से टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 22 और 24। तो हमने सेक्शन 22 में क्या लिखा, जिस व्यक्ति की टर्नओवर, हमने क्या बोला, जिस व्यक्ति की टर्नओवर, जिस पर्सन की टर्नओवर, जिस सप्लायर की टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से कम होगी, वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है। और अगर वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, अगर वो अपनी इच्छा से देना चाहे, अगर वो अपनी इच्छा से देना चाहे तो रजिस्टर्ड करा ले अपने आप को, और क्या बन जाए, टैक्सेबल पर्सन। लेकिन हमारी नजरों में वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है।
तो अब हमारी बात हुई टर्नओवर की बात। अब ये बताओ, जब जीएसटी लगता है तो सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है, तो जब ये लिमिट सेट हो रही होंगी तो स्टेट और सेंटर दोनों ही होंगी। तो जिस स्टेट्स को अपने यहां पर लोगों को फायदा देना होगा, उन्होंने लिमिट्स ज्यादा रखी होगी या कम? क्या रखी होगी? ज्यादा। उन्होंने ये लिमिट्स क्या रखी होंगी? ज्यादा, कि भाई हम इस लिमिट्स तक तुमसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। जितनी लिमिट्स कम रखेंगे उतना टैक्स बेस बढ़ जाएगा, जितनी लिमिट्स बढ़ाएंगे उतना टैक्स बेस कम हो जाएगा। तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 की ओपनिंग लाइन निकाल लीजिए। सेक्शन 22 किसके बेस पर है? टर्नओवर। किसके बेस पर? टर्नओवर। तो इन्होंने क्या बोला? सेक्शन 22 निकाल लिया। क्या कहता है ओपनिंग लाइन इसकी? एवरी सप्लायर, क्या वर्डिंग से शुरू है यहां पर? एवरी सप्लायर। ध्यान से पढ़ना, आपको मजा आएगा समझ में, नहीं तो लिमिट्स एक मिनट में रट भी सकते हो। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला? एवरी सप्लायर। अब जब हम बात करें एवरी सप्लायर, तो सप्लायर कौन होता है? उसकी डेफिनेशन किसमें लिखी है? सेक्शन 2105 में, ठीक है। एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड, शैल बी, यहां पे वर्डिंग क्या है? शैल बी, कि हर वो सप्लायर, यहां पे इन्होंने पर्सन नहीं बोला, यहां पे इन्होंने कोई और वर्ड नहीं बोला, क्या बोला? सप्लायर, जो भी सप्लाई करता होगा, चाहे गुड्स की करे चाहे सर्विस की करे। तो इन्होंने कहा एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है, इन द स्टेट, इन द स्टेट, इन द स्टेट। स्टेट का मतलब यहां पर क्या है बोलो? यूपी स्टेट है या नहीं है? दिल्ली स्टेट है? तो इसलिए आपको पहले स्टेट की डेफिनेशन पढ़नी है। किसकी डेफिनेशन पढ़नी है? स्टेट की डेफिनेशन किसमें लिखी हुई है? सेक्शन 2103। मैं जो भी बात तुम्हें बोलूंगा उसे पहले यहां पर दिखाऊंगा। 103, जरा एक बार स्टेट की डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? स्टेट। अगर आप जीएसटी की क्लास में ना आते और मैं आपसे पूछता स्टेट क्या है, तो आप ये बोलते सर यूपी स्टेट है लेकिन दिल्ली स्टेट नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। कौन? और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूपी इज अ स्टेट बट दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, क्या है जी? विद लेजिस्लेचर है लेकिन वो स्टेट नहीं है। लेकिन जब जीएसटी पढ़ोगे तो यहां पर स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट इंक्लूड्स अ विद लेजिस्लेचर। तो यहां पर स्टेट कितनी है एक तरीके से? 28। इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर मतलब 3। तो ये 31 कैसे आया? जीएसटी के अंदर क्लियर हुआ। तो स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट विद यूनियन टेरिटरी, क्लियर हुआ, विद लेजिस्लेचर। संविधान के हिसाब से स्टेट कितनी है? संविधान के हिसाब से सर, संविधान के हिसाब से 28, जीएसटी के हिसाब से 31। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो या नहीं? हाँ जी, क्लियर हुई है वाली डेफिनेशन? बोलो जी। तो देखो, जब आप पढ़ते हो तो डीप में जाके पढ़ना है। तो इन्होंने क्या बोला? एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, चाहे उसे स्टेट में हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन इन्होंने लिख के बताई है कि ये यूनियन टेरिटरी है। जिन लोगों के पास पुराना एक्ट है तो ये यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हुई है। क्या हुई है? चेंज हुई है, उसमें अमेंडमेंट आई है। तो जो पुराना एक्ट लेकर बैठे हैं तो वो उसे चेंज कर लेंगे। आज की डेट में मैंने कितनी यूनियन टेरिटरी बताई है? 5। कितने बताइए? 5। कोई बताएगा पांचों के नाम? मुझे पांचों के नाम बताएगा कोई? तो लिखो अंडमान एंड निकोबार। क्या लिखो? अंडमान एंड निकोबार। दूसरा लिखो लक्षद्वीप, ठीक है। तीसरा लिखो चंडीगढ़। चौथा लिखो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली। पहले ये जो दोनों यूनियन टेरिटरी थी ये अलग अलग थी। पहले क्या थी? ये अलग अलग थी, लेकिन बाद में ये क्या हो गई है? मर्ज हो गई है। बाद में क्या हो गई है? मर्ज, ठीक है। तो क्या बताइए मैंने? यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, और पांचवा कोई मुझे बताएगा?
पांचवा कोई मुझे बताएगा? अरे गोवा तो स्टेट है, मुख्यमंत्री है वहां का, तो प्रधानमंत्री कैसे बनोगे हिंदुस्तान के? अरे पांडिचेरी का तो मुख्यमंत्री है, उसकी तो विधानसभा है। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं तुम्हें भारत पे राज कराने की सोच रहा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है भारत में है क्या। तो राज कैसे करोगे भारत पे, प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? अगर तुम्हें बना दिया जाए फाइनेंस मिनिस्टर, अरे भाई एक लद्दाख, क्या लद्दाख, ठीक है। तो ये टिप्स पे होनी चाहिए तुम्हें, पता चले बच्चे ने पूछ लिया पापा पापा बताओ कितनी स्टेट है, और तुम सोच रहे हो बेज्जती करा दोगे तुम, ठीक है। तो ये पांच क्या है, यूनियन टेरिटरी, क्या है यूनियन टेरिटरी, क्लियर हुई है मेरी बात? तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे थे भाई, और देखो ना मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए यहां पर लगा दिया है लक्ष्य, देखो लद्दाख है ना, अंडमान निकोबार, ठीक है, और ये मैंने एक ही में मर्ज कर दी, और ये चंडीगढ़, ठीक है, ये क्लियर है बोलो जी, हाँ, क्योंकि मुझे पता तुम मेहनत नहीं करोगे, ये ज्योग्राफी भी तुम सोचोगे जीएसटी वाले ही पढ़ा दे, है ना। तो हमने क्या बोला, एवरी स्टेट, स्टेट कितनी, 28 प्लस 3, 28 प्लस 3, और यूनियन टेरिटरी कितनी, 5, ठीक है। अब यहां पर ये कहता है कि यहां पर जो भी आप स्टेट में जाओ या यूनियन टेरिटरी में जाओ, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोला इन्होंने, फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई। अगर तुम वहां से क्या करते हो, टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अदरवाइज नहीं कराना। अगर आप वहां से क्या करते हो, टैक्सेबल सप्लाई। अब आप एक एग्जांपल लिख लो इसमें, इसमें एक एग्जांपल लिख लो, ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लिख लो टैक्सेबल सप्लाई के नीचे, ठीक है। एग्जांपल मैं देता हूं, मैं कपिल जैन, ठीक है, मैं यहां पर बैठा हूं दिल्ली में, ठीक है, और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि दिल्ली में मेरी टर्नओवर है 80 लाख रुपए, लेट सपोज, ठीक है, और मेरी एक प्रॉपर्टी है यूपी में, एक प्रॉपर्टी है पंजाब में, और मुझे यहां से रेंट आता है 30 लाख रुपए, और यहां से भी रेंट आता है 30 लाख रुपए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि क्या मुझे ये दोनों प्रीमिसेस मैंने किराए पर दिए, ठीक है ना, ये दोनों प्रीमिसेस मैंने किराए पर दिए, मुझे रेंट आ रहा है, ठीक है, क्या मुझे इन दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नहीं? क्या मुझे इन दोनों स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या नहीं? सिर्फ वहां पर मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी किस पे गई हुई है, रेंट पे। तो इसका आंसर मुझे बताएं, कराना पड़ेगा या नहीं? कई लोगों का मानना यह है कि सर चूंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी यूपी में और पंजाब में है, तो इस बात से यह प्रतीत होता है कि आप वहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, आप वहां से क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, जो मैंने प्रॉपर्टी को रेंट पर देना, प्रॉपर्टी को रेंट पर देना, क्या यह सर्विस है या नहीं है? है? तो ये अगर मेरी सर्विस है तो इसमें मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मैं उस स्टेट से नहीं कर रहा, उस स्टेट में मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं वहां से टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा। मैं टैक्सेबल सप्लाई कहां से करता हूं, सिर्फ दिल्ली से, इसलिए मैं उन दो स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, मैं उन दो स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैंने वहां से टैक्सेबल सप्लाई करा ही नहीं। अब एक व्यू पॉइंट लोगों का ये आता है, चूंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी यहां पर है, तो जो ये रेंट की सर्विस है, ये क्या है, रेंट की जो ये सर्विस है, ये हम ये मानेंगे कि आपने कहां से दी, यूपी और पंजाब से। मैंने कहा अगर तुम ये बात मानते भी हो और तुम मुझे कहते हो कि रजिस्ट्रेशन कराओ, तुम मुझे क्या कहते हो, रजिस्ट्रेशन कराओ कहां पर, यूपी में और पंजाब में, तो मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या मैं इसे प्रैक्टिकल करा पाऊंगा, क्या मैं यूपी और पंजाब में करा पाऊंगा? मेरी प्रॉपर्टी मैंने आपको किराए पर दे दी और आपसे कितने रुपए ले रहा हूं, 30 लाख। अगर मुझे अब यूपी में या पंजाब में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो मुझे वहां पर फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा। तो क्या आप उस प्रॉपर्टी में मुझे कोई जगह दोगे कि मेरे को फिजिकल प्लेस ऑफ दिखाना पड़े? वो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, क्योंकि आप मुझे रेंट दे रहे हो, आप मुझे क्या दे रहे हो,
तो वहां पर जब मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जब वहां पर मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो मैं वहां पर रजिस्ट्रेशन कराऊं क्यों? तो इसका जो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर आप 10 जगह पर प्रॉपर्टी रखे हुए हो और आप उसे मैनेज एक ही जगह से कर रहे हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, क्योंकि आप इस दायरे में आते ही नहीं। फ्रॉम वेयर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई? आप टैक्सेबल सप्लाई कहां से बना रहे हो? दिल्ली से। अभी मेरे पास एक कंसल्टेंट आया, उसने कहा मुझे एक कंसल्टेंसी चाहिए आपसे, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के चैप्टर से चाहिए। क्या था उसका क्वेश्चन समझना, उसने कहा कि मैं हूं एक GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, और मैंने क्या कर रखा है, दिल्ली यूपी हरियाणा हर जगह से मेरी बुकिंग होती है, हर जगह से मैं ट्रक वगैरह किराए पर देता हूं, लेकिन सारा मैनेजमेंट सारे बिल सब कुछ कहां से इशू करता हूं, दिल्ली से, सब कुछ यहां से इशू करता हूं। यहां पर तो सिर्फ मैंने अपने एक तरीके से एजेंट बिठा रखे हैं। तो उसने मेरे से पूछा कि क्या मुझे हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो मैंने कहा इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 22, और सेक्शन 22 क्या कहता है, फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप वहां से टैक्सेबल सप्लाई बनाते हो, वहां से देते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अदरवाइज नहीं कराना। क्लियर हुआ मेरा व्यू पॉइंट या नहीं? ठीक है, एक और एग्जाम्पल से करता हूं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल से करता हूं। दिल्ली है, दिल्ली में हमारी KJ क्लासेस चल रही है, ठीक है, और यहां पर हमारी टर्नओवर कितनी है, 80 लाख। यूपी के अंदर हमने क्या करा, अपना एक नया सेटअप खोला और यहां से हम मैगजीन बेचते, क्या बेचते, जो कि हमारी एग्जेम्प्ट है, जो कि हमारी क्या है, या हमने क्या कर लिया, यहां पर एक शराब का ठेका खोल लिया, ठीक है, हमने शराब का ठेका, देसी शराब का ठेका, ये हमने यूपी में खोल लिया और यहां पर हमारी टर्नओवर है, मान लो, ठीक है ना, 80 लाख, यहां मान लो, क्या मुझे यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या? मैंने यहां पर क्या बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना है, फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई, क्या बोला, जहां से आप क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई। क्या मैं दिल्ली से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं? यस, तो दिल्ली में कराना है। क्या मैं यूपी से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं? नो, तो मैं वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले क्या चीज चेक करनी है, फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई, कि आपकी वहां से टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। प्रॉपर्टी वाले केस में मेरी वहां से टैक्सेबल सप्लाई नहीं थी, प्रॉपर्टी तो थी लेकिन टैक्सेबल सप्लाई नहीं थी। बिल्टी वाले केस में सारी इसमें कहां से मैनेज कर रहा था, यहां से, तो मैं टैक्सेबल सप्लाई वहां से नहीं। अगर डिपार्टमेंट ने किसी भी बात किसी भी दिन यह प्रूफ कर दिया कि तुम्हारी यहां से टैक्सेबल सप्लाई है और तुमने यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, तो वो तुम पर पेनल्टी लगा देगा। तो जब भी किसी क्लाइंट को सजेशन दो तो आपको क्या चेक करना है कि वो वहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है या नहीं। क्लियर है? टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन कहां से पढ़ लोगे, यहां से। अब सर टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब, 10 रुपए की टैक्सेबल सप्लाई कर दे तब भी? मैंने कहा नहीं, क्योंकि सेक्शन 22 किस बेस पे, टर्नओवर। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर वहां से टैक्सेबल सप्लाई हो रही है कितनी, ठीक है, अब यहां पर इस चीज को ध्यान रखना, इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर, क्या जी, अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में, ठीक है, एक्सीड्स 20 लाख, क्या लिखा है यहां पर, 20 लाख। अब आपके मन में सवाल होगा सर ये तो लिमिट 40 लाख हो गई, नहीं बताऊंगा मैं। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर जाती है किसमें, स्टेट्स में, किसमें, स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरी में, एंड 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, 10 लाख फॉर स्पेशल, सर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है, तो जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने काउंसिल पढ़ा था, जीएसटी काउंसिल पढ़ा था या नहीं, तो जीएसटी काउंसिल ने यह बताया था कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ स्टेट्स को हमने दर्जा दिया है स्पेशल कैटेगरी का, किसका जी, स्पेशल कैटेगरी का। अगर मैं बात करूं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का, अगर आपको ध्यान हो, अभी भारत का नक्शा आपने देखा था, ठीक है, यह कंसेप्ट भी सुन के रखना क्योंकि यह आपको काम आने वाला है, ठीक है।
मैंने एक नया टर्म यूज करा, क्या जी? स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब अगर मैं बात करूं यहां पर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अच्छा तुम्हें इन स्टेट्स को देखकर कुछ लग रहा है, इन पर कुछ तरह सारा है? क्या ये छोटी? क्या ये उत्तर प्रदेश की जैसी इतनी बड़ी है? बोलो, क्या ये एमपी की तरह इतनी बड़ी है? क्या ये महाराष्ट्र की तरह इतनी बड़ी है? तो अगर हम इन दोनों के लिए जीएसटी के प्रोविजन सेम बना दे तो कुछ भेदभाव होगा या नहीं होगा? जैसे एग्जांपल समझो कि हमने उत्तर प्रदेश में कहा कि जिसकी टर्नओवर 20 लाख, क्या बोला जी, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है, 20 लाख से कम वाले माफी। और अगर हम यही वाली बात नागालैंड को बोल दे, यही वाली बात मिजोरम को बोल दे, तो तुम्हें क्या लगता है मिजोरम एक बड़ा शहर है छोटा? छोटा, छोटी स्टेट है, तो यहां पर सारे व्यक्ति छोटे छोटे होंगे, तो हो सकता है कि सारे व्यक्ति 20 लाख से नीचे हो जाए, और जब 20 लाख से सारे व्यक्ति नीचे हो जाए तो वहां पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा क्या? और जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्या वहां पे रिवेन्यू कलेक्ट होगा क्या? तो वहां की स्टेट भूखी रह जाएगी। तो इन्होंने कहा अपने को 20 लाख नहीं चाहिए, अपने को लिमिट क्या करो, कम। क्या करो? कम। कितनी? 10 लाख। कितनी? 10 लाख। कितनी करो? 10 लाख, जिससे कि हमारे पास भी रिवेन्यू आता रहे। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप एक नॉर्मल स्टेट में हो, अगर आप एक नॉर्मल स्टेट में हो तो कितनी लिमिट? 20 लाख। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हो, अगर आप किस में हो? स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो, तो कितनी? 10 लाख। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये इतना आसान नहीं है। आपने बोला नॉर्मल में कितनी? 20 लाख। अच्छा, ये जो 20 लाख और 10 लाख की बात कर रहे हैं हम, ये गुड्स की बात कर रहे हैं सर्विस की? बोथ। किसकी बात कर रहे हैं? बोथ। तो हमने क्या बोला कि भाई अगर तुम्हारी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, ठीक है, 20 लाख से ऊपर है तो नॉर्मल में, और 10 लाख क्या जी? स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को हमने साथ में ये भी बोल दिया कि अगर तुम्हारा मन लगे, तुम अपनी स्टेट्स को बेनिफिट देना चाहते हो, सेंट्रल ने क्या बोला, अगर तुम अपनी स्टेट्स को बेनिफिट देना चाहते हो तो तुम अपनी ये जो 10 लाख की लिमिट है इसे कभी भी बढ़ाकर क्या कर सकते हो? 20 कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्लियर है? क्लियर है कि आप 10 से बढ़ाकर अपने आप को कितना कर सकते हो? 20, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो जी। हाँ, मैं आपको बता दूं, आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ ये 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। कितनी? सेक्शन 22 के लिए। किसके लिए जी? सेक्शन 22 के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। अगर आप आर्टिकल 279A4G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें स्पेशल कैटेगरी की बात की गई है, वहां पर तो बहुत सारी स्टेट्स हैं। कितनी? 11। पूरे जीएसटी के लिए अगर मैं बात करूंगा तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट कितनी मिलेगी तुम्हें? 11। लेकिन अगर मैं सेक्शन 22 के लिए बात करूंगा, क्योंकि सेक्शन 22 में क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल स्टेट के लिए लिमिट कितनी? 20 लाख। और स्पेशल कैटेगरी के लिए कितनी? 10। और स्पेशल कैटेगरी कितनी है? सिर्फ 4। किसके लिए? सेक्शन 22 के लिए। तो इन 4 में लिमिट कितनी हो गई भाई? 10 लाख। और अगर ये चाहे तो अपनी लिमिट क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते। कितनी बढ़ा सकते हैं? 20 लाख। तो पहली चीज क्लियर हुई। बोलो जी। हाँ, अब आपने ये तो सुना होगा कि सर आपने तो पुराना एक्ट पढ़ा दिया, लिमिट कितनी है जीएसटी में? 40। लो में तो नहीं लिखा, लो में कितनी लिखी है? क्या लिखी है लो में? 20। तो 40 कैसे? तो अब एक बात नोट करो, एज पर फाइनेंस एक्ट 2019, क्या जी? एज पर फाइनेंस एक्ट 2019, गवर्नमेंट में फॉर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट, क्या बोला जी? नॉर्मल कैटेगरी स्टेट एट रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट एंड रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, की रिक्वेस्ट करे स्टेट और रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एनहेंस द एग्रीगेट टर्नओवर, कि वो क्या कर सकती है एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से क्या कर सकती है, ठीक है, लेकिन बढ़ा सकती है कब, कितने तक? 40 लाख तक। लेकिन कब? इन केस ऑफ एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन तुम्हारी हम जो 20 से 40 करेंगे सिर्फ कब करेंगे? जब तुम्हारे पास क्या सेल कर रहे हो? गुड्स। तो सर्विस के लिए
सर्विस के लिए इन एनी केस, सर्विस के लिए इन एनी केस 20 लाख ही है, और गुड्स के लिए 20 से बढ़ाकर क्या कर सकती है 40, सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन एज में भी नोटिफाइड। तो गुड्स के लिए कितनी है 40। ये वाली बात कब आई? फाइनेंस एक्ट 2019 से। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, क्या बोला है, नॉर्मल कैटेगरी स्टेट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एज में भी नोटिफाइड। क्या लिखा है? एज में भी, तो लिख लो साथ में, अभी तक कुछ भी नोटिफाई नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नोटिफाई नहीं हुआ। सर नोटिफाई नहीं हुआ, लेकिन लिमिट तो कितनी सुनते में आ रहे, 40। तो ये कैसे होगा बताओ भाई? अरे सब कुछ मैं ही बताऊंगा। इन्होंने बोला सर्कुलर आया था। पहली बात, कोई भी सर्कुलर, कोई भी नोटिफिकेशन एक्ट को ओवर रूल कर सकती है क्या? एक्ट में सेक्शन 22 किस चीज के लिए? टर्नओवर के लिए। किसके लिए? टर्नओवर में क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल स्टेट 20 लाख, स्पेशल कैटेगरी 10 लाख। अमेंडमेंट एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2019 ने क्या बोला था कि 20 को बढ़ाकर क्या कर सकते हो 40, 20 को बढ़ाकर क्या कर सकते हो 20 को बढ़ाकर क्या कर सकते हो 40। लेकिन किस केस में? गुड्स पे। लेकिन जब हम नोटिफाइड करेंगे, क्या करेंगे? लेकिन इसमें अभी तक कोई भी नोटिफाइड नहीं हुआ, तो फिर लिमिट 40 लाख कैसे? कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, पहले वाला बेस क्लियर हुआ मेरा? मुझे भी पता है 40 है, तुम्हें भी पता है 40 है, लेकिन किसी को यह नहीं पता ये 40 है तो कैसे है। तो अब मैं एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं नए को। सेक्शन 22 क्लियर हुआ? सेक्शन 22 में लिमिट्स कितनी लिखी है? हाँ, 20, स्पेशल कैटेगरी के लिए 10। लेकिन नया 22 क्या कहता है? 20 की जगह हम क्या कर देंगे 40। लेकिन कब? जब नोटिफाइड होगा। लेकिन अभी नोटिफाइड नहीं हुआ, तो इसमें ये अभी रीड ओनली है क्या ये? लेकिन प्रैक्टिकल चल क्या रहा है 40। तो ऐसा क्या हुआ? ठीक है, इसे इंसर्ट करने के लिए एक नया सेक्शन में डाल लो। उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 23। क्या है जी? सेक्शन 23। ठीक है, सेक्शन 23। अब आप कहोगे सर 22 तो पूरा कराया नहीं, 23 पे आ गए। स्टोरी ऐसे ही चलेगी, बीच बीच में जो फालतू की चीजें होंगी ना वो मैं बाद में बताऊंगा, और वो बाद में आप खुद भी रीड कर सकते हो। ये मैं सोचना पहले 22 पूरा लाइन से करा दिया, फिर 23 करा रहे हो, ऐसे नहीं। अब मैं करा रहा हूं आपको 23। सेक्शन 23 का टाइटल पढ़ो, टाइटल। सेक्शन 23 का टाइटल क्या है? पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इन्होंने कहा सेक्शन 22 या सेक्शन 24 कुछ भी कहते रहे, लेकिन अगर मैंने लिख दिया बीच में, ये सेक्शन क्या है? बीच में 23। ये कहता अगर मैंने कह दिया पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो लायबल है नहीं, वो लायबल है नहीं। दो सेक्शन कह रहे हैं तुम लायबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन एक सेक्शन कह रहा है तुम लायबल नहीं हो। किसकी बात मानोगे? हाँ, किसकी बात मानोगे भाई? जो हमें स्पेशली मना कर रहा है, जो हमें स्पेशली, ठीक है, मना कर रहा है, तो हम उसकी बात मानेंगे। तो जब तुम पे ये दो सेक्शन लगाने लगे, क्योंकि टैक्सेबल पर्सन कब बनता है? जब वो 22 और 24 में लायबल हो। लेकिन हो सकता है मैं 22 और 24 में लायबल हूं, मैं हो सकता है मैं किस में लायबल हूं? 22 और 24 में। लेकिन सेक्शन 23 मुझे कह दे तुम लायबल नहीं हो, तो मैं लायबल बनूंगा क्या? नहीं बनूंगा, क्योंकि ये क्या है? स्पेसिफिक सेक्शन। क्या है? और स्पेसिफिक सेक्शन जनरल सेक्शन को क्या करता है? ओवररूल। क्या करता है? ओवररूल। क्लियर है? क्लियर है? तो जब भी किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित करो, दो सेक्शन नहीं पढ़ने, कितने पढ़ने? तीन। कितने पढ़ने? मैंने शुरू में कितने बोले थे? दो। ठीक है, तो जो उस क्लास को पढ़कर सो गया होगा उसे ये नहीं समझ आएगा फिर। ठीक है, तो पूरा, ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, और जीएसटी में तो स्पेशली। ठीक है, तो सेक्शन 23 क्या कहता है? पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसकी स्टोरी समझना, ठीक है, इसकी स्टोरी समझना कि ये स्टोरी है क्या। ठीक है, सेक्शन 23 ने क्या कहा, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं पहले, फिर समझना कि इसकी जरूरत क्यों हुई। एक था किसान, किसान तो तुम्हें पता है, जैसे ही मैंने नाम बोला किसान, तुम्हारे मन में किसकी इमेज आई? तुम्हारी किसान मन में आई एक गरीब सा किसान बेचारा,
कंधे पर फावड़ा लेकर चल रहा है, ठीक है, मेहनती किसान है, ठीक है, कपड़े फटे हुए, उसकी इमेज नहीं आई जिसके घर के सामने फॉर्चूनर खड़ी है, उसकी इमेज नहीं आई जिसके घर के सामने खड़ी है फॉर्चूनर व्हाइट कलर की और व्हाइट कुर्ता, व्हाइट पजामा, ब्राउन जूते। हाँ, किसान तो दोनों ही है ना, लेकिन इनके ऊपर जब भी हम किसान बोलते हैं तो पहली इमेज आती है निकल के सामने। अब ध्यान से समझना, एक किसान है, किसान खेती कर रहा है और खेती कर रहा है किसकी, काजू की। किसकी खेती कर रहा है? काजू। अब जो व्यक्ति किसान काजू की खेती कर रहा है, अफीम की खेती कर रहा है, चरस की खेती कर रहा है, उसके घर के सामने फॉर्चूनर होगी या नहीं होगी? ठीक है। अब इसने खेती करी और खेती करके इसने 50 करोड़ की, कितने की, 50 करोड़ की काजू बेच दी बीकानेर वाले को, 50 करोड़ की काजू बेच दी बीकानेर वाले को। तो बताओ चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से इसने सप्लाई ऑफ गुड्स करा या नहीं? बोलो, चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से इसने सप्लाई ऑफ गुड्स किया या नहीं? सेक्शन 22 के हिसाब से क्या ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं? लेकिन जब इसके घर पर जीएसटी ऑफिसर गए, अरुण जेटली साहब गए, 50 करोड़ की काजू बेची है, टैक्सेबल पर्सन हो तुम, क्या हो, टैक्सेबल पर्सन हो, तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसने कहा मैं नहीं कराता। उसने कहा कराना पड़ेगा, टैक्सेबल पर्सन हो, 50 करोड़ पे जीएसटी कलेक्ट करके दो। उसने कहा मैं फांसी लगा लूंगा। किसान ने क्या बोला? मैं फांसी लगा लूंगा और कल को अखबार में आएगा एक किसान जीएसटी के बोझ के तले दबके मर गया, उसने फांसी लगा ली और सरकार गिर जाएगी। किसी को यह नहीं समझ आएगा कि यह किसान 50 करोड़ की काजू बेच रहा था, सबको क्या समझ आएगा, सिर्फ किसान। तो उसने कहा देख मेरे से पंगा मत लियो जेटली, मैंने बड़े बड़ों की सरकार गिराई है। उसने कहा भाई साहब हमने तो सेक्शन 22 में लिख दिया कि जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो और वो सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्सेबल अगर करता हो तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसने कहा देख तू जो मर्जी बना एक्ट, अपने को तू जीएसटी नहीं लगा सकता, ज्यादा करेगा हम बॉर्डर रोक देंगे सारे। तो अब इस किसान को बचाना था या नहीं बचाना था? हाँ, तो इस किसान को बचाने के लिए सेक्शन 23 को लाया गया। किसे लाया गया? सेक्शन 23 को। और सेक्शन 23 में क्लियर क्या बोला कि अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, क्या है जी, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है और जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करता है, क्या करता है जी, जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अब ये नहीं किसान है, अब किसान के पास खेत भी है। अब उस खेत में शाहरुख खान ने कहा कि मुझे एक फिल्म की शूटिंग करनी है। शाहरुख खान ने क्या बोला? मुझे एक फिल्म की शूटिंग करनी है, दिलवाले दुल्हनिया वापस कर जाएंगे, ठीक है, जो लेकर गए थे अब वो वापस करके जानी है, उसकी फिल्म की शूटिंग करनी है। तो किसान ने क्या कहा? कर ले मेरे खेतों में, मैं तेरे से क्या लूंगा, 50 लाख। तब तुम किसान नहीं रहे क्योंकि तुम तो फिल्म की शूटिंग के लिए दे रहे हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो एग्रीकल्चरिस्ट है और वो क्या कर रहा है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड कर रहा है, क्या कर रहा है जी, मतलब खेती कर रहा है और कुछ उगा रहा है, ठीक है ना, खेती कर रहा है और कुछ उगा रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को सेक्शन 23 में हमने क्या बोला, तुम्हें जीएसटी से एग्जेम्प्ट करते हैं, तुम्हें रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं, यू आर नॉट लायबल। वो कह रहा सेक्शन 22 लिमिट छोड़, तुझे लेना ही नहीं, क्लियर है। लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन पढ़ लेना सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 से, किससे, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट का मीनिंग क्या है, जो व्यक्ति या तो खुद या अपनी फैमिली से या अपने सर्वेंट से, हायर लेबर से खेती कराता है, वो ही एग्रीकल्चरिस्ट है, उसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। वैसे तो 22 से लेना था लेकिन किसने रोक दिया, 23 ने, तो किसकी बात माने। तो अब आपको क्लियर हुआ कि किसानों को, किसान कभी भी क्या नहीं बनेंगे, टैक्सेबल पर्सन नहीं बनेंगे, क्योंकि किसानों को कोई गवर्नमेंट टच नहीं कर सकती। तो उसके लिए सेक्शन 23 को लाया गया। लेकिन अब मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, यार ये तो किसान तो बड़े पंगे में आ गए, अब किसान भर भर के काजू बेच रहा है, भर भर के अफीम बेच रहा है, भर भर के चरस बेच रहा है, और घर के सामने कौन सी गाड़ी खड़ी है, फॉर्चूनर। इन्होंने कहा इसे टैक्स तो लगाना है, और जैसे ही टैक्स लगाने की बात आती है किसान फांसी का फंदा लेके तैयार हो जाता है। तो अब इन्होंने क्या करा, यहां पर ना इसके घर के सामने ना किसे खड़ा कर दिया, ठीक है ना,
जेटली साहब को खड़ा कर दिया कि भाई टैक्स तो लेना, इससे तू सोच कैसे लेगा। तो इन्होंने क्या देखा कि किसान के यहां पर आता है बीकानेर वाला, कौन आता है जी, क्या लेने, काजू, हल्दीराम वाला आता काजू लेने। अब हिंदुस्तान का तुम्हें पता ही है, किसान को जैसे जा रहे थे वो फंदा दिखा रहा था। तो इन्होंने क्या करा, जेटली साहब ने किसान को तो छोड़ दिया और पकड़ लिया बीकानेर को और पकड़ लिया हल्दीराम को। उसने कहा तू टैक्स दे, उसने कहा भाई साहब मैं तो कुछ बेच ही नहीं रहा, जब मैं बेचूंगा अपनी दुकान पर जाकर तब तुम मेरे से टैक्स ले लेना। उसने कहा नहीं नहीं तू टैक्स दे, परचेजिंग के ऊपर भी टैक्स दे। क्या दे, परचेजिंग के ऊपर भी तू टैक्स दे। हमने कहा ये कौन सी उल्टी गंगा बना बहा रहे हो तू। उसने कहा हां अब हम इसे उल्टी गंगा बहाएंगे और इसे हम नाम देंगे रिवर्स चार्ज। क्या देंगे जी, रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज का जन्म कहां से हुआ, इस किसान के चक्कर में। ठीक है, इस किसान के चक्कर में रिवर्स चार्ज का जन्म हुआ। और भी मैं ऐसे बताऊंगा तुम्हें कई लोग जिनके चक्कर में रिवर्स चार्ज का जन्म हुआ, नहीं तो जन्म नहीं होता। हिंदुस्तान का नियम क्या था, फॉरवर्ड चार्ज। क्या था, कपिल जैन सर्विस दे रहा है, कपिल जैन सर्विस दे रहा है, जिसे वो सर्विस दे रहा है 10,000 रुपए जीएसटी के लिए, 18 रुपए टैक्स ले, 18% और गवर्नमेंट को दे दे, इसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। पूरा हर जगह यही देखते हो। लेकिन अगर यही गंगा किसान चलवा देते कि सेल करी काजू बीकानेर वाले से लेते और लेकर क्या करना था, जमा ही तो करना था। उसने कहा अपने को जमा करना ही नहीं, फांसी पे लटक जाएंगे। ठीक है, तो किसे पकड़ा गया, बीकानेर। और बीकानेर को जब पकड़ा गया तो क्या बनाया गया, रिवर्स चार्ज। क्या बनाया गया, रिवर्स चार्ज। तो चार्जिंग सेक्शन दो बने, क्या बना, एक तो 9-1 जो मैं तुम्हें पढ़ाकर आयु, जिसमें हमने बोला फॉरवर्ड चार्ज। क्या बोला, और फॉरवर्ड चार्ज हर जगह लगेगा, कहां लगेगा, हर जगह। लेकिन जहां जहां टैक्स के लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलेक्ट करने में दिक्कत है। किसमें दिक्कत है जी, कलेक्ट करने में दिक्कत है, वहां क्या आएगा, रिवर्स चार्ज। क्या आएगा सर, हमें तो समझ नहीं आ रहा, रजिस्ट्रेशन पढ़ा रहे थे फिर रिवर्स चार्ज में घुस गए। मैंने कहा यही तो टेक्निक है। अब हम मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं, रिवर्स चार्ज, चार्जिंग सेक्शन का सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 निकाल लो, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। ठीक है, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, पढ़ो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के सामने लिख लो रिवर्स चार्ज। क्या लिखोगे जी, क्यों आया रिवर्स चार्ज, जहां पर लेवी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन किसमें दिक्कत थी, कलेक्शन में। तो इन्होंने क्या लिखा, एज पर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 द गवर्नमेंट मे, क्या लिखा है, गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस। सब पे नहीं लगाएंगे, कुछ गुड्स पर और कुछ सर्विस पर स्पेसिफाई करेंगे द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जिसमें टैक्स किससे पेड किया जाएगा, रिवर्स चार्ज। रिवर्स का मतलब हो गया ना उल्टा, रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रिसीपिएंट, बाय द रिसीपिएंट। रिसीपिएंट की जगह यहां पे क्या लिख लोगे, हमारे एग्जांपल में परचेजर हल्दीराम बीकानेर, बाय द रिसीपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ एंड ऑल द प्रोविजन, ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच रिसीपिएंट, और सारे जो लॉ के प्रोविजन होंगे उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे एज इफ द पर्सन लायबल फॉर पेइंग टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो यहां पर जो सेक्शन 9(3) में रिवर्स चार्ज है उसमें कुछ गुड्स और कुछ सर्विस है, कुछ गुड्स और कुछ सर्विस। अब आप कहोगे सर हमें तो ऐसे याद नहीं होगा, तो हमने क्या करा है, आपके लिए लिस्ट बना दी। हमने क्या करा, लिस्ट बना दी भाई। जैसे हमने क्या बोला, कैशू नट काजू पे लगता है, तंबाकू पे लगता है, सिल्की यान पर लगता है, लॉटरी पर लगता है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, गुड्स। और ये लिस्ट हमने तुम्हें एक बार तो बनाकर दे दी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, नोटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, तो ये क्या होगी, अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन जब भी कभी 9(3) में नोटिफिकेशन आए तो आप समझ जाना इस वाले गुड्स पर क्या है, आरसीएम। क्या है, आरसीएम। सब पर नहीं होगा, जहां पर कलेक्शन में दिक्कत होगी, जहां पर किसमें दिक्कत होगी, कलेक्शन में दिक्कत होगी। जैसे तंबाकू, जैसे क्या है, तंबाकू। अब तुम्हें पता है तंबाकू के जो ठेके होते हैं, कोई शरीफ आदमी लेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई बदमाश टाइप ले रहा होगा, है बदमाश टाइप। अब पता चला वहां पर जेटली साहब चले गए, ठीक है ना, ठीक है, वहां पर चले गए कोई भी,
तो उन्हें देगा वो टैक्स? उन्होंने कहा इसे छोड़ो, इस दबंग आदमी से पंगा नहीं। लेकिन जो तंबाकू खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है? चैनी खैनी, ठीक है ना, बिजनेसमैन, उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो, तो उससे हम ले लेंगे। तो अब आपको ये क्लियर हुआ? तो आरसीएम कब लगता है? जब भी कभी किसमें दिक्कत हो, कलेक्शन में। किसान में कलेक्शन में दिक्कत हुई थी, लगा दिया। तो यहां पर कुछ गुड्स है, क्या है जी? कुछ गुड्स, और इसी तरीके से कुछ सर्विसेज, किसी तरीके से कुछ सर्विसेज, ठीक है। तो जो गुड्स और सर्विस यहां पर लिस्ट में लिखी है उन्हीं पर आरसीएम होता है और बाकी किसी पर नहीं होता। क्लियर हुआ? 9-3 बोलो, 9-3 क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? क्या जी? हाँ, अभी इन्होंने कहा सर्विस में बता दो। आज का हमारा टॉपिक क्या? रजिस्ट्रेशन। अब सर्विस के अंदर क्या है? 16 सर्विसेज है। क्या है जी? 16 सर्विस। तो मैं अगर बताऊं कि किस किस सर्विस पर आरसीएम है और क्यों है, तो आज का सेशन 3 घंटे का आरसीएम पे चला जाएगा। तो मैंने इसे क्या करा है? सिर्फ टच फोन क्या करा है, एक अलग से चैप्टर बनाएंगे आरसीएम का, आगे चल के उसे पढ़ेंगे। लेकिन बीच में ही आ गया था तो मैंने तुम्हारे को ये करा के खत्म करा। क्लियर है मेरी बात? हाँ। तो लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे को रात को नींद ना आए, कौन कौन सी सर्विस ऐसी है, तो मैंने तुम्हें ये चार्ट दे दिया, तब तक खुद समझ लेना, ठीक है। क्लियर हुआ 9-3 या नहीं? चलो अब एक क्वेश्चन और, क्योंकि ये मेरे को बीच में परेशान करता मेरे रजिस्ट्रेशन पढ़ाने में, इसलिए मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। ये समझना, मैं अपने लिए क्लियर करा रहा हूं, क्योंकि तुम बीच में फिर बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ, ये तो वर्ड समझ नहीं आ रहा। चलो अब मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति है जो है ट्रांसपोर्टर। क्या है जी? मान लो ट्रांसपोर्टर, समझते हो ना, ट्रक ड्राइवर है ना, ट्रांसपोर्टर, ट्रक ड्राइवर, जो इसका ट्रक है, ठीक है, जीटीए जिसे बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है। या मान लो वकील साहब हमारे, एडवोकेट साहब, ठीक है, इनसे पंगा नहीं लेना कभी, सबसे ले लेना इनसे नहीं, ठीक है ना, ये तुरंत FIR करा देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एडवोकेट साहब हैं या ट्रांसपोर्टर, अब इनकी कहानी सुनो। ये सर्विस देते हैं, क्या सर्विस टैक्सेबल है? अभी मान के चलेंगे हाँ सर्विस टैक्सेबल है। ये सर्विस देते हैं और ये सर्विस क्या है? टैक्सेबल। अब इन्होंने दी 80 लाख की सर्विस, कितने की? 80 लाख की। अब बताओ ये जो 80 लाख रुपए की सर्विस दी है, क्या ये सेक्शन 22 के हिसाब से लायबल है या नहीं है? लायबल है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, एक व्यक्ति है जो कि बेचता है, लेट सपोज गेहूं, चावल, दूध, नेशनल फ्लैग, ठीक है, ठीक है, औरत के हाथों की चूड़ियां, ये। अब चूंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में क्या बोला गया, पहले तो चार्जिंग सेक्शन बना दिया, चार्जिंग सेक्शन में क्या लिख दिया कि गुड्स और सर्विस पर GST लगाएंगे। लेकिन मैंने तुम्हें एक सेक्शन और पढ़ाया था, सेक्शन 11 क्या पढ़ाया था, कि अगर हमारा बस चलेगा तो हम कुछ गुड्स को या कुछ सर्विस को क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो इन्होंने कहा देखो ये जो चूड़ियां होती है ना, सुहाग की चूड़ियां, ठीक है, ये तो हम पहनेंगे, ठीक है, सोने की चूड़ियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सुहाग की चूड़ियां हम ये पहनेंगे, तो इसे क्या करो, एग्जेम्प्ट। नेशनल फ्लैग, देश की निशानी, से क्या करो, एग्जेम्प्ट। दूध को क्या करो, एग्जेम्प्ट। चावल गेहूं को क्या करो, एग्जेम्प्ट। तो इन्होंने कहा इन चीजों को क्या करो, एग्जेम्प्ट। अब एक व्यक्ति है जो ये सारी एग्जेम्प्ट चीजें बेचता है, जो ये सारी एग्जेम्प्ट चीजें बेचता है, और यहां पर उसकी टर्नओवर 80 लाख रुपए है। तो अब आप बताओगे कि सर इसे रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं? तो अब मैं दो सेक्शनों से बात करता हूं। सेक्शन 22 ने क्या बोला था, फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई। तो एक तो बात वो होगी कि सर ये तो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा, तो इसे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। लेकिन इस वाली बात को सेक्शन 23 ने भी लिखा। किसने लिखा? सेक्शन 23 ने। और क्या लिखा सेक्शन 23 ने? यह लिखा पर्सन एंगेज्ड, पर्सन
एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली, क्या लिखा जी, एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस बोथ नॉट लायबल टू टैक्स, कि जो गुड्स और सर्विस जो नॉट लायबल टू टैक्स है या जो होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, जो क्या है जी, होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। तो सेक्शन 23 में कितने लोग आ गए, एक तो एग्रीकल्चरिस्ट, कौन आ गया जी, एग्रीकल्चरिस्ट, और दूसरा कौन आ गया, एग्जेम्प्ट वाला। क्लियर हुई मेरी बात, यानी तो इन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट रह गया वो रह गया किसका, नहीं जी, हमारा रह गया एडवोकेट्स का। अब ये जो एडवोकेट्स या ट्रांसपोर्टर या जीटीए की बात करें, ये 80 लाख की सर्विस दे रहे हैं, कितने की सर्विस दे रहे हैं, क्या ये एज पर सेक्शन 22 लायबल है या नहीं? हाँ, एज पर 22 लायबल है। लेकिन एडवोकेट साहब से बोला गया, एडवोकेट साहब से बोला गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सीरियस मत ले लेना, समझाने के लिए दे रहा हूं भाई। कभी भी कोई एडवोकेट साहब बोले मुझे कि सर ये आप हमारे पे क्यों दे रहे हो, मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। एक एडवोकेट साहब पे बोला गया कि भाई तुम्हारे ऊपर जीएसटी लगाएंगे, उन्होंने कहा लगाओ, हम कब मना कर रहे हैं। तो एडवोकेट साहब पे जीएसटी लगाया गया, 1 करोड़ की सर्विस दी एडवोकेट साहब ने, उस पर जीएसटी लगाया गया कितना, 18%, कितना जी, 18 लाख। इन्होंने ये सर्विस दे दी किसे, किसी कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड को, मान लो किसी प्राइवेट लिमिटेड को दी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इन्हें कितने रुपए दे दिए, 1 करोड़, 18 लाख। 1 करोड़ किस चीज के, सर्विस के, और 18 लाख रुपए किस चीज के दिए, कि जाना या 18 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा कर देना। अब जो हमारे एडवोकेट साहब थे मिस्टर एक्स, उन्होंने कहा हाँ कर देंगे जमा, क्या दिक्कत है। जेटली साहब, उन्होंने कहा भाई 18 लाख रुपए जमा करने, टैक्स करने का, देखो फालतू मत बोलो, अभी तो मूड खराब है हमारा, ठीक है ना, अभी कोर्ट में भेजिए, अभी जमा करने का टाइम नहीं है। उन्होंने कहा भाई साहब कर दो जमा, तुमने लिया 18 लाख। उन्होंने कहा देखो तरीके से बात करो, नहीं कर रहा जमा, जाओ क्या कर लोगे, नोटिस भेज दो। उन्होंने कहा ठीक है नोटिस भेज दो। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, नोटिस भेज दिया रिकवरी के लिए। कोर्ट में केस चलता रहा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 10 साल बाद फाइनल जजमेंट आई। जजमेंट जब आई, जिस वकील के ऊपर केस था उसका जो दोस्त था वो जज बन चुका था। तो उन्होंने कहा अरे भाई साहब तुम पे पुराना केस चल रहा है, 20 साल पुराना। उसने कहा हाँ सर, क्या केस, केस क्या है, केस क्या है सर, 18 लाख रुपए इन्होंने जीएसटी के लिए थे और वो जमा नहीं करे। हाँ वकील साहब जमा क्यों नहीं कर रहे, सर कर दूंगा जमा, मैं मना कब कर रहा हूं, तो जमा करते क्यों नहीं, केस को रफा दफा करो। सर कर दो ऑर्डर, मैं अभी जमा कर देता हूं। सर इंटरेस्ट पेनल्टी, सर इंटरेस्ट पेनल्टी तो मत लो क्योंकि तुम अपनी बिरादरी की हो। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, वकील साहब को यह सजा दी जाती है कि वो 10 लाख रुपए या जो 18 लाख रुपए वो क्या कर दे जमा। तो वकील साहब ने 18 लाख रुपए कितने दिनों तक यूज कर लिए, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट। उन्होंने कहा वकील साहब से पंगा नहीं लेना। जेटली साहब ने क्या बोला, वकील साहब से पंगा नहीं लेना। उन्होंने फिर क्या करा कि जब भी वकील साहब किसी भी कंपनी को सर्विस देंगे, या तो इस सर्विस को कर दो एग्जेम्प्ट, या तो इस सर्विस को कर दो एग्जेम्प्ट, क्योंकि टैक्स तो वैसे भी नहीं आना, और अगर टैक्स लगा नहीं है तो किसे पकड़ लो, किसे पकड़ लो, किसे पकड़ लो, कंपनी को पकड़ लो, तो कंपनी से। तो क्या इस वाली सर्विस पर भी आरसीएम है, क्यों आरसीएम है, क्योंकि यहां पर कलेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत थी। भैया आपका व्यू पॉइंट और कुछ भी हो सकता है, मैंने क्या बोला था कि मैं तुम्हें हर जीएसटी सेक्शंस के कुछ लॉजिक्स बताऊंगा, या तो वो सही होंगे या वो लॉजिक्स मेरे खुद के बनाए हुए होंगे। लेकिन ये लॉजिक बता किस लिए रहा हूं, सिर्फ कि तुम्हारे माइंड में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जम जाए। अगर इसका कोई और लॉजिक होगा तो उसे मान लेना और मुझे भी बता देना, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात, यानी बोलो जी, बोलो यहां तक डाउट क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आया कि अगर कोई वकील साहब 1 करोड़ की सर्विस दे रहे हैं और उस पर आरसीएम एप्लीकेबल है, उस पर क्या एप्लीकेबल है, आरसीएम एप्लीकेबल है, अब बताओ वकील साहब को रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। अच्छा सेक्शन 22 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, लेकिन इन्हें रजिस्ट्रेशन से माफी दिलवाएं या नहीं दिलवाएं,
ये कह रहे मत दिलवाओ, रजिस्ट्रेशन करा दो। वो रजिस्ट्रेशन कर भी लेगा, क्या कर लोगे रजिस्ट्रेशन करा के? वो हर महीने वकील साहब आएंगे रिटर्न भरेंगे, हर महीने वकील साहब आएंगे रिटर्न भरेंगे। टैक्स कौन दे रहा होगा? टैक्स कौन दे रहा होगा? कंपनी। हमने कहा क्यों टेंशन लेते हो, तुम रजिस्ट्रेशन हटा ही दो ना, तुम रजिस्ट्रेशन, तुमसे रजिस्ट्रेशन हटवाई देते, काय के लिए रजिस्ट्रेशन कराना? कोई जरूरी है क्या वकील साहब का रजिस्ट्रेशन? फिर छोटे आदमी को मैंने क्या बोला, अगर कोई वकील साहब ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिस पर क्या है 100% आरसीएम है, क्या है जी, तो क्या उसे रजिस्ट्रेशन करवाएं? नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों को बाहर करने के लिए हमने कौन सा सेक्शन बनाया है, 23। क्या बनाया है? तो 23 में कितने लोग आ गए? तीन लोग। कितने लोग आ गए? तीन लोगों। एक तो आ गया एग्रीकल्चरिस्ट, कौन आ गया जी, और दूसरा कौन आ गया जो 100% क्या दे रहा है, एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विस दे रहा है, और तीसरा पर्सन आ गया नोटिफाइड पर्सन, क्या जी, नोटिफाइड पर्सन। तो गवर्नमेंट का जब भी किसी का मन करता है, जब भी किसी का मन करता है कि इसे बाहर करो, तो वो क्या कर देती है, सेक्शन 23 में नोटिफिकेशन निकालती है। क्या निकालती है? सेक्शन 23 में नोटिफिकेशन। तो जब भी कभी सेक्शन 23 की नोटिफिकेशन निकल कर आएगी तो समझना कि कुछ रिलैक्सेशन है। क्या है? कुछ रिलैक्सेशन है। तो सेक्शन 23 में एक नोटिफिकेशन निकल कर आई और उसने क्या बोला, एक नहीं है कई सारी नोटिफिकेशन है। क्या है? कई सारी नोटिफिकेशन है जिसने हमें बचाया, जिसने हमें बचाया। क्या बचाया? कि तुम्हारे ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, यू आर नॉट लायबल, यू आर। तो जब भी तुम्हें कोई कहे कि तुम सेक्शन 22 और 24 की वजह से लायबल हो, तो साथ में क्या कहना कि मुझे बचाने कौन आएगा, 23। एक बार जरा मैं 23 में नोटिफिकेशन चेक कर लू, क्या पता कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, क्लियर। तो अब आया मैं फाइनल कंक्लूजन पे। फाइनल कंक्लूजन कहां था हमारा, कि एक व्यक्ति दिल्ली में 30 लाख रुपए के गुड्स बेचता है। क्या बेचता है? 30 लाख रुपए के गुड्स। एज पर सेक्शन 22 ये रजिस्ट्रेशन है या नहीं है लायबल? क्योंकि वहां पर दिल्ली में लिमिट कितनी थी? 20 लाख। 20 लाख। लेकिन तुम लोग क्या कह रहे थे कि लिमिट कितनी है? कितनी लिमिट है? 40। ये कहां से निकल कर आई होगी? ये कहां से निकल कर आई होगी लिमिट? बाय नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन कौन से सेक्शन में? 23 में। किसमें? क्योंकि बचाने के लिए नोटिफिकेशन किसकी है? 23। तो सेक्शन 23 की ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन याद रखो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं। तो नोटिफिकेशन नंबर 10 आई थी सेंट्रल टैक्स की 7 मार्च 2019 को। सेक्शन 22 में भी लिमिट 20 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 40। लेकिन वो अभी नोटिफाइड नहीं है। जिस दिन वो नोटिफाइड हो जाएगी तो इसे कट कर देना, और जब तक वो नोटिफाइड नहीं हो जाती तब तक क्या चल रहा है? सिर्फ सेक्शन 23 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तुम्हें यह तो पता होगा, यह आम जिंदगी है कि टर्नओवर 40 लाख है। मेंटोस जिंदगी वो है कि तुम्हें यह भी पता हो ये 40 लाख है तो कैसे है। सेक्शन में लिखा है, कौन से में लिखा है, नोटिफिकेशन है या कैसे है? यहां पर इन वीडियोस को देखने का आपका यह पर्पज है। बिना इस वीडियो के देखे आपको यह पता है कि लिमिट 40 लाख है, लेकिन इस वीडियो को देखने का पर्पज क्या है आपका? हमारी क्लासेस का बेनिफिट क्या है कि ये कैसे, ये कैसे? तभी ये कोर्स 150 घंटे का है। नहीं तो मैं बिना कुछ बताए सिर्फ ये बता देता इन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, इन्हें कराना है। मैं तुम्हें ना तो किसान वाली कहानी, ना एडवोकेट वाली कहानी, ना आरसीएम वाली कहानी, मैं कोई कहानी नहीं सुनाता। लेकिन वो क्या है? सिर्फ आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी है। ठीक है, समझ आ रहा है? बोलो, लेयर बाय लेयर समझ रहे हो? हाँ, तो आ जाओ। तो हमने क्या पढ़ा? यह नोटिफिकेशन पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जिसकी वजह से टर्नओवर की लिमिट 20 से क्या हुई थी? 40 के क्या हुई थी? 40। लेकिन हर केस में नहीं, हर केस में नहीं। तो इसने क्या बोला 7 मार्च को, इन एक्साइज ऑफ द पावर कंफर्म्ड बाय द सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23। अब सेक्शन 23 समझ आ गया क्या है? पर्सन नॉट लायबल, बचाने के लिए। ठीक है, कि सेक्शन 23 2 ने नोटिफिकेशन निकाली
ठीक है, और क्या कहा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल हेयर बाय स्पेसिफाई द फॉलोइंग पर्सन ऑफ कैटेगरी ऑफ सर्विसमैन एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, कि हम तुम्हें क्या करते हैं एग्जेम्प्ट। 22 कुछ भी बोलता रहे, 22 में लिमिट कितनी चल रही थी, 20, कितनी चल रही है 20, लेकिन 23 ने क्या कहा, मैं तुम्हारे को करता हूं 40, मैं क्या करता हूं तुम्हारे को 40, तो किसकी बात मानोगे, 23 की, क्योंकि 23 इज अ स्पेसिफिक सेक्शन, लेटर इज बेटर। ठीक है, तो क्या बोला, एनी पर्सन हु इज एंगेज सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या बोला जी, हु इज एंगेज, लेकिन ये रिलैक्सेशन किसे है, सिर्फ सिर्फ गुड्स वालों को, सिर्फ गुड्स वालों के, एंड हुज एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख, किसे, तो 20 से होकर क्या हो गई 40, लेकिन इसके लिए, इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठाने के लिए तुम इन चार में से कुछ नहीं होने चाहिए, ये इन्होंने कितनी कंडीशन दी है, चार। और जो सेक्शन 22 में मैंने आपको पढ़ाया है कि 20 से लिमिट कितनी हो गई 40, लेकिन वो अभी क्या नहीं हुई, तो नोटिफाइड जब होगी वहां पर और कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन जब तक वो पिक्चर में नहीं है तब तक क्या चलेगा, ये 23। और ये चार कंडीशन कौन कौन सी है, तो इन्होंने क्या बोला कि आप लायबल नहीं होने चाहिए उस 24 में, अगर तुम 24 में लायबल हो तब इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, मैंडेटरी लायबल, क्या है जी वहां पे, मैंडेटरी लायबल। क्लियर है या नहीं है, बोलो। तो हम 24 को नहीं टच कर रहे, हम तो सिर्फ तुम्हें किसके प्रकोप से बचा रहे हैं, 22 से, और 22 के प्रकोप से भी इसलिए बचा रहे हैं टाइम बीइंग के लिए, बाकी तो हमने 22 में इंतजाम कर दिया है, क्या कर दिया है, इंतजाम कर दिया कि 20 से 40 कर लो, लेकिन गवर्नमेंट क्या है, कंफ्यूज करती है, पहले नोटिफिकेशन ले आई फिर सेक्शन में चेंज कर दिया, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी परमानेंट नहीं होती, लेकिन अभी ये परमानेंट है, तो जब वो सेक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा, कौन सा वाला, 22 वाला जो अमेंडमेंट है, ये तो इस नोटिफिकेशन का कोई यूज रहेगा क्या, हाँ रहेगा क्या, लेकिन आज की डेट में इसका यूज है क्या, और कब से, देखो 2019 में आई और अभी 21 चल रहा है, यूज है, कंफ्यूज कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, और आधे से ज्यादा लोगों को यह पता है कि सेक्शन 22 की वजह से 40 लाख है, और ये वाली चीजें आपको कंप्लाइंस में काम नहीं आती, जब नोटिस का रिप्लाई बनाते हो, जब इंटरव्यू देते हो बड़ी कंपनी में, क्योंकि अगर किसी ने बोला सेक्शन 22 से है तो मैं वहां पर बोलूंगा नोटिफाइड लिखा है, क्या लिखा हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड लिखा है, नोटिफाइड लिखा है, लाल लेके आ नोटिफिकेशन, और तुम दे पाओगे क्या, कुछ नहीं दे पाओगे, दे पाओगे तो सिर्फ ये दे पाओगे, आप पॉइंट को समझ रहे हो, तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि लो क्या है, साथ में ये पता होना चाहिए ये कैसे है, कब से है, क्या है, नहीं तो सबको बीएसटी पता है। ठीक है, तो चार लोगों को मना करा, किसे मना करा, चार लोगों को, एक तो किसे, जिसकी 24 में रजिस्ट्रेशन है, एक इन्होंने कहा सब गुड्स वाले, सब गुड्स वाले, ठीक है ना, लेकिन तीन गुड्स मत बेचना, क्या ना बेचना, तीन गुड्स, कौन से तीन गुड्स, ये वाले तीन गुड्स, आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू, तुम्हारे लिए 40 लाख नहीं है, तुम्हारे लिए तो लिमिट कितनी है, जो है 20 लाख नॉर्मल में और स्पेशल में 10 लाख, क्लियर है, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं। और इन्होंने कहा तुम तीन स्टेट्स भी, इन्होंने कहा भाई देखो ये नोटिफिकेशन तो ला रहे हो, अपने लिए मत लाओ, नहीं तो अब तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे हम, क्योंकि हमें छोटे छोटे बच्चे, तो इन्होंने कहा अपने लिए 40 मत करो, क्योंकि अगर अपने लिए 40 हो गई तो कोई बचेगा ही नहीं जीएसटी में, तो इन्होंने क्या कहा, स्टेट कौन कौन सी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड। उत्तराखंड ने कहा 6 महीने तो शिव जी नाराज रहते हैं हमारे से, ठीक है ना, कोई आ ही नहीं सकता, इतनी बर्फ है, ठीक है, तो अपने को ये लिमिट नहीं जचेगी। तो ये जो 40 लाख की लिमिट है, पहली बात किसके लिए, गुड्स के लिए, किसके लिए, एक्सक्लूसिवली गुड्स, क्या जी, एक्सक्लूसिवली गुड्स, और ये तीन गुड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, और वो 24 में मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, और वो इन स्टेट्स में भी ना हो, और वो वॉलेंट्री भी रजिस्ट्रेशन लेके ना रखा हो, ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा। ये वाली नोटिफिकेशन क्लियर हुई या नहीं, हाँ बोलो बोलो। अब मैं तुम्हें एक चार्ट कराता हूं, जिससे अब तुम्हें हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन की लिमिट पता लग जाएगी, और सब चीजों को जोड़ तोड़ मरोड़ के लगानी है लिमिट, ठीक है, हाँ? क्या जी,
हाँ मैपिंग करनी होगी, बताना पड़ेगा कैसे। नोटिफिकेशन क्लियर है? हाँ चलो आ जाओ, आप आ जाओ मेरे साथ। हाँ जी, यूपी, यूपी में लिमिट कितनी है? 40 गुड्स के लिए, 40 किसके लिए? और सर्विस के लिए कितनी? सर्विस के लिए कितनी? 20 लाख। 40 गुड्स के लिए कौन से सेक्शन की वजह से? हाँ सेक्शन 23 में नोटिफिकेशन आई थी उसके लिए। अगर यूपी में कोई व्यक्ति तंबाकू की गुड्स की सप्लाई करेगा, बोलो होगी क्या? कितनी हो जाएगी? 20। हाँ जी, बिहार में सेम, सर्विस के लिए कितनी? 20, और उसके लिए गुड्स के लिए 40। लेकिन वो गुड्स तीन तरह के नहीं होने चाहिए। क्लियर है? तो भाई देखो, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, एपी, कर्नाटका, केरल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, सबका सेम कंसेप्ट। तो अगर इस स्टेट्स में आप हो तो आपके लिए सर्विस की लिमिट कितनी? 20 लाख। कौन से सेक्शन की वजह से? 22। गुड्स के केस में लिमिट कितनी? 40 लाख। गुड्स के केस में कितनी? 40। अब मैं तुम्हें एक चिंटू सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? अब मेरा चिंटू सा क्वेश्चन यहीं तक के लिए। आप यूपी में हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, यहां पर गाड़ियां पलटती हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आप क्या करते हो? आप 40 की जगह 45 लाख के गुड्स बेचते हो, या 40 की जगह थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, 35 लाख। क्या जी? 35 लाख का गुड्स बेचते हो, ठीक है? कोई भी गुड्स मान लेते हैं, है ना, जो कि टैक्सेबल गुड्स है। 35 लाख के गुड्स बेचते हो, 35 लाख के गुड्स बेचे, 35 लाख के गुड्स बेचे, और गुड्स बेचने के बाद पैसा बैंक में आया, बैंक में एफडी कराई, सेविंग अकाउंट खुलवाया, और बैंक वालों ने तुम्हें इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट दिया कितना? 2 लाख रुपए का। अब आप बताओ वेदर यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। सर सेक्शन 22 के हिसाब से तो टैक्सेबल पर्सन है पंजाब, लेकिन 23 दोस्तों क्या बचा लिया? इन्होंने कहा सेक्शन 23 ने बचा लिया। कौन से 23 ने बचाया? नोटिफिकेशन ने। किसने बचाया? जरा नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ो। नोटिफिकेशन ने क्या लिखा था कि तुम क्या कर रहे हो? एक्सक्लूसिवली। और यहां पर तुम एक्सक्लूसिवली गुड्स दे रहे हो या सर्विस भी दे रहे हो? एक्सक्लूसिवली गुड्स दे रहे हो या सर्विस भी दे रहे हो? मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले आज की क्लास में क्या बताया था? बैंक को ब्याज, बैंक से ब्याज मिलना क्या है? सर्विस देना। तो भाई ये जो है ना नोटिफिकेशन गलत आई थी, और ये 2 साल से गलत ही चल रही है। अगर इस नोटिफिकेशन का कोई बेनिफिट उठा के आपको नोटिस दे दे और कह दे कि तुम्हारे लिए लिमिट अब 35 लाख नहीं है, सिर्फ कितनी है? 20 लाख, तो उसकी बातों में सच्चाई होगी। लेकिन यह बात ना तो डिपार्टमेंट को पता, ना तुम्हें पता, सब चल रहा है, लेकिन नोटिस आ सकता है। यही एक्सीलेंस है। यही क्या है? एक्सीलेंस। अगर किसी व्यक्ति के पास ये नोटिस आ गया तो आप गलत नहीं कह सकते। क्लियर है मेरी बात या नहीं? तो अब आप ये समझो इस एक्सीलेंस पर पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगा। सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ा कि 20 लाख की लिमिट सेक्शन 22 में गुड्स और सर्विस दोनों के लिए होती है, लेकिन एग्जेम्पशन किसे है? सिर्फ सिर्फ गुड्स वालों को, एक्सक्लूसिवली गुड्स वालों को, और चूंकि ये सर्विस है, चूंकि ये सर्विस, तो ये नोटिफिकेशन में लैकुना था, गलती थी, और इस गलती को गवर्नमेंट को क्लेरिफाई करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी तक इसके नोटिस ऐसे इश्यू नहीं हुए, लेकिन इन फ्यूचर हो सकते। तो अब ये बताओ अगर कुछ ऐसी गलती हो जाए तो क्या गवर्नमेंट को ठीक करनी चाहिए या नहीं? तुम्हारा दिल क्या कहता है कि सिर्फ 10 रुपए का इंटरेस्ट आ गया? कितने रुपए का इंटरेस्ट आ गया? और ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। ये इंटरेस्ट क्या है? एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं है, लेकिन ये क्या है? सर्विस। और इसी डेफिनेशन की वजह से कि ये क्या हो गया? डिस्क्वालिफाई क्या हो गया? तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि ये नोटिफिकेशन हमसे क्या निकल गई? गलत क्या निकल गई? लेकिन उन्होंने कहा अब निकल गई तो निकल गई, हम अपनी गलती मानते थोड़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं मानेंगे नहीं,
मैंने कहा सेक्शन 22 में आपने चेंज करा है, क्या करा है सेक्शन 22 में, क्या चेंज करा है, 20 लाख की लिमिट को बढ़ाकर क्या करा है, 40 करा है या नहीं करा, लेकिन वो अभी नोटिफाइड नहीं है। उसने कहा हमें अपनी गलती पता लग गई, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए तो कुछ नहीं कहेंगे, किसके लिए नहीं कहेंगे, नोटिफिकेशन के लिए तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आगे के लिए, किसके लिए जी, आगे के लिए, आगे मतलब इसके लिए कि 20 लाख से हम अपनी लिमिट कितनी कर रहे हैं 40, तो इन्होंने कहा जब भी ये सेक्शन अप्लाई होगा तो इन्होंने साथ में क्या दे दी, एक्सप्लेनेशन, क्या दे दीजिए, एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन दे दी, फॉर दिस पर्पज ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू, क्या बोला जी, ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, कि उसे हम ये मान लेंगे तुम एक्सक्लूसिवली गुड्स में ही डील करते हो, इवन इफ ही एंगेज इन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांस और इंटरेस्ट अगर उसे आता होगा तो हम क्या मान लेंगे तुम गुड्स ही डील में करते हो। लेकिन ये बात किसमें लिखी, सेक्शन में, क्या नोटिफिकेशन के लिए दी क्या, लेकिन अगर कल को नोटिस आ जाए तो तुम बता देना कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन गलत निकाली थी और उस गलती को यहां पर ठीक किया है, तो तुम यहां पर बच सकते हो। क्या बोला है कि इस गलती को, लेकिन ये एक्चुअल में ये गलती ये किसके लिए, इसके लिए, जब ये 20 से 40 होगा तो गवर्नमेंट को समझदारी क्या करनी चाहिए, इस नोटिफिकेशन को तो क्या करे, विथड्रॉ, और यहां पर क्या निकाले, नई नोटिफिकेशन निकाले जिससे कि सारी चीज स्ट्रीमलाइन हो। अब कई लोग ये कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता रहता है कि भाई ये नोटिफिकेशन आएगी ये गलत है, जब तक हमें गलत नहीं पता होगा कि गलत क्या है तो हम सही की उम्मीद कैसे करेंगे। तो आपको अपना लेवल इतना बढ़ाना है कि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए तो तुम्हें पता लग जाए ये क्यों आई। आप मेरी बात को समझ रहे हो। अब अगर कभी भी मैं रात को सो रहा हूं और किसी ने मुझे बोल दिया सेक्शन 22 में एक नोटिफिकेशन आई है 20 से उठा के लिमिट 40 कर दी, तो मेरे माइंड में क्या सेट है कि हाँ ये तो होना ही था, ठीक है ना। देखिए ना गंगाजल मूवी, वो सिगरेट पीते हुए कहता है ये तो होना ही था, ठीक है। तो आपके मन में क्या होना चाहिए, ये तो होना ही था। कोई पूछे ये ऐसा क्यों हुआ तो बोल देना कि ये अभी तक प्रक्रम चल रहा था सेक्शन 23(2) से और उसमें एक गलती रह गई थी क्योंकि वो इंटरेस्ट की इनकम वालों को उससे बाहर कर देते थे, इस वजह से ये होना ही था। क्लियर है मेरी बात या नहीं, लिंकेज कर पा रहे हो, संभाल पा रहे हो इतना सारा वजन, या सिंपल सिंपल पढ़ना है 20 लाख लिमिट 40 लाख लिमिट। आगे चलूं तो हम कहीं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठा पटक करते रहेंगे। हैवी तो नहीं हो रहा ना सेशन, इतना झेल लोगे ना, हाँ, या वही करना है रजिस्ट्रेशन। मैं ये बता रहा हूं कि हर सेक्शन पे कंसल्टेंसी है और अभी हम जब क्लास खत्म कर लेंगे रजिस्ट्रेशन की तो मैं कम से कम तुमसे 15-20 क्वेश्चंस पूछूंगा अगर वो मेरे तैयार हो गए तो, कि जो एक अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर गलत है, ठीक है, और जो मैं आपको बता दूंगा। जैसे अभी मैंने एक दो क्वेश्चन आपके बीच में ले लिए थे कि लोग बाग इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। चलो आगे, चलो आ जाओ भाई अपने चार्ट पर आ जाओ। तो भाई यूपी में लिमिट क्लियर हुई 40, लेकिन अगर उसे इंटरेस्ट आता होगा तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 20। कितनी हो जाएगी, 20। चलो अब हम ये मान के चलते हैं, अब अगर हम ये मान के चलते हैं, एक एग्जांपल और, यूपी में टर्नओवर 38 लाख। मैं आगे की बात बता रहा हूं, आगे की, मुझे रेंटल सर्विस आई, क्या आई जी, रेंटल। और मैं मान के चल रहा हूं कि सेक्शन 22 के अंदर जो ये अमेंडमेंट आई है ये भी एप्लीकेबल है, सेक्शन 22 के अंदर ये अमेंडमेंट भी आ चुकी है और एप्लीकेबल भी है, हालांकि अभी आई नहीं है, और उसे रेंटल इनकम आती है जो कि एग्जेम्प्ट है, जो कि क्या है, एग्जेम्प्ट है 6 लाख की, कितने की, ठीक है। बताओ जी रजिस्ट्रेशन कराना या नहीं, हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, 44, तो लिमिट कितनी है यहां पर सिर्फ 40, हाँ, इन्होंने कहा लिमिट है 40 है, वहां पर क्या वर्डिंग थी, वहां पर एक्सक्लूसिवली, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेता हूं, चलो और समझना, तो मैं पक्का कर देता हूं इसमें, 34 लाख की सेल, रेंटल इनकम 5 लाख,
रजिस्ट्रेशन कराना है नहीं? हाँ, क्योंकि लिमिट कितनी है? लिमिट कितनी है? सिर्फ 20। 40 की कब है? गुड्स के लिए। किसके लिए जी? गुड्स के लिए। क्लियर है? 5 लाख की इंटरेस्ट इनकम है तब अभी कराना पड़ा है, एक्सप्लेनेशन आने के बाद उसके बाद नहीं कराना, क्योंकि ये माना जाएगा कि आप एक्सक्लूसिवली गुड्स कर रहे हो। ये वाला कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ या नहीं बोलो? हाँ, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो आज तक लो है वो तो आपको पता ही पता है, लेकिन आने वाले समय में लो क्या होगा उसकी भी एक झलक मैं आपको दे रहा हूं। आप मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं? कि उसकी भी एक झलक मैं आपको दे रहा हूं कि जो अभी प्रेजेंट में है तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो हम टाइम टाइम पर यह चीज भी आपको देंगे। क्लियर हुई है वाली बात? इतना हजम कर जाओगे? हाँ, तो लिमिट कोई भी पूछेगा बता देगा। अच्छा, तेलंगाना में लिमिट कितनी? क्यों 20? क्यों 20? क्यों 20 से 40 किसने करा रहा? नोटिफिकेशन ने। और अगर इस नोटिफिकेशन ने लिख दिया होगा, यहां पे इसका फोटो खींच लो एक बार, अगर इस नोटिफिकेशन ने लिख दिया होगा तेलंगाना, तो क्या उसे इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं। तो इसलिए लिमिट इसके लिए कितनी हो गई? 20। और अगर तुझे 20 से 40 पे जाना है तो किसका बेनिफिट ले? 22 का, जो अभी नोटिफाइड नहीं हुआ। तेलंगाना 20 क्यों? क्लियर बोलो? क्लियर है बोलो? हाँ, इसका फोटो खींच लिया एक बार, याद रहेंगे वाली स्टेट्स, क्योंकि मैं बार बार दिखाऊंगा। देख लो एक बार, लिख लो इस वाली को एक बार ना, क्योंकि फिर मैं नीचे स्क्रीन पर जाऊंगा। लिख लो भाई कहीं पे ये वाली स्टेट्स, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। लिख लो फटाफट लिख लो, क्योंकि वो चार्ट कंप्लीट करना है ना। मैं लिख लिया। हाँ चलो, फोटो खींच लिया किसी ने, मुझे याद दिलाते रहना है। क्लिक की आवाज आ गई। अब तेलंगाना में लिमिट है तो स्टेट, तो इस पर क्या लग रहा है? सिर्फ सेक्शन 22 लग रहा है, इसे 23 का बेनिफिट नहीं मिलना। दिल्ली स्टेट है, स्पेशल नहीं है, यूनियन, ठीक है ना, स्टेट मानेंगे हम उसे। यूटी विद लेजिस्लेचर है। लिमिट कितनी रहेगी? 40। कितनी? क्लियर? कितनी रहेगी? 40। क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ जी, पांडिचेरी को देखो, उस लिस्ट में था या नहीं था? ठीक है, लिस्ट में है, तो इसे 23.2 का बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इसलिए लिमिट कितनी हो गई? 20। जम्मू एंड कश्मीर 40। क्या जी? हमेशा लिमिट क्या थी सेक्शन 22 ने? 10 और 20 क्या थी? 10 और 20 गुड्स और सर्विस दोनों के लिए। 10 किसके लिए? स्पेशल कैटेगरी। किसके लिए? और कितनी स्पेशल कैटेगरी थी? 4। कितनी थी? 4। कौन कौन सी? त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड और मणिपुर, यही 4 स्पेशल कैटेगरी रह गई थी। वैसे तो स्पेशल कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूशन से 11 थी, लेकिन मैंने क्या बोला, बाद में से सेक्शन 22 के लिए कितनी है? सिर्फ 4। तो इन 4 में लिमिट कितनी है? सिर्फ 10 लाख, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, ठीक है। स्टेट में कितनी है? 20। लेकिन जिन्हें 23.2 का बेनिफिट मिला उनके लिए क्या हो गई? 40। सिर्फ किसके लिए? गुड्स के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर आ जाओ, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ 40-40, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली 40, अंडमान 40, लक्षद्वीप 40, लद्दाख 40, हिमाचल 40, आसाम 40, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अभी जो मैंने बताया 23.2 का बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा, तो इनकी कितनी रह गई? 20। और बाकी ये जो 4 त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, उन्हें भी 23.2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उनके लिए लिमिट कितनी रह गई? 10। तो अब आपको क्लियर हुआ कि 10 कैसे, 20 कैसे, 40 कैसे, सर्विस के केस में कितनी, गुड्स के केस में कितनी। समझ आया? कुछ हुई दिमाग की एक्सरसाइज? हाँ, 23.2 समझ आया? लेकिन मेरी गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट रहेगी कि 23.2 वाली नोटिफिकेशन को हटाकर 22 वाले से ही हैंडल कर लो, है ना, क्योंकि अब तुम 22 को अमेंड कर चुके हो। पहले देखो, लॉ में दिक्कत होती है, पहले सेक्शन 22 में सिर्फ यही लिखा था 10 और 20। क्या लिखा था? 10 और 20। जब तुमने लॉ को अमेंड कर ही दिया,
भाई 23:2 तुम कब लाए थे? जब लो में पावर नहीं थी। तुम 20 को 40 करना चाहते थे क्योंकि बहुत सारे गुड्स वालों ने बोला था, बहुत सारे गुड्स वालों ने बोला था कि लिमिट कम है, तुम इसे बढ़ाओ। एक्साइज में तो 1.5 करोड़ की मिलती थी, तो गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान में रखा और गवर्नमेंट ने कहा कि जब एक्ट चेंज करेंगे तब बढ़ाएंगे। तो एक होशियार आदमी ने कहा तुम्हें अगर रिलैक्सेशन देना है तो 23:2 से भी दे सकते हो। उन्होंने क्या समझाया कि तुम कहां से दे सकते हो, 23:2 से भी रिलैक्सेशन दे सकते हो। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन ला के 2 साल पहले रिलैक्सेशन दे दी थी। अब गवर्नमेंट ने कहा दे दी तो दे दी, अरे हमने कहा जब तुमने एक्ट में ही प्रोविजन डाल दिया अब तो तुम सेक्शन 22 से भी कर सकते हो। तो अब गवर्नमेंट को करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए या नहीं? क्लियर हुआ? तो सेक्शन 22 क्लियर है, 23 क्लियर है,